ओम शांति। 25 जनवरी 2022, साकार मुरली। आज की मुरली के सार में स्नेह के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, या तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। या अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत, आखिर वो दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। मात पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिकर डबल लाइट भव। विस्तार है, सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिकर डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, या बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन, जो पुरुष यानी आत्मा समझ रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ, ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।